सिंगरौली जिले में दर्जन कंपनियां होने के बाद भी बेरोजगारों का जो आंकड़ा है वह किसी से छिपा नहीं। ऐसे में किस तरह रोजगार मिले और अचानक छिन जाए तो सोचिए क्या स्थिति होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीबीएल निगाही ने बीते महीने एक जानकारी साझा करते हुए बताया था कि एनसीएल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त एक्सप्लोसिव न मिलने के कारण हमारे सैकड़ों कर्मचारी खाली बैठे रहते हैं। ऐसे में उनको वेतन दे पाना संभव नहीं है। एनसीएल प्रबंधन से एक्सप्लोसिव ना मिलने का हवाला देते हुए डीपीएल निगाही ने सैकड़ों मजदूरों को काम से निकाल दिया, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। जिसको देखते हुए आज भास्कर मिश्रा प्रदेश सचिव कांग्रेस ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और मजदूरों की वस्तुस्थिति से अवगत कराया। सिंगरौली से नीरज द्विवेदी की रिपोर्ट। देखिए, मांगों को लेकर के जो डीपीएल प्रबंधन के कर्मचारी हैं, ड्राइवर्स ग्रुप, चाहे वो हेल्पर हों, चाहे अन्य किसी पोस्ट पे हों, सब लोग आए हुए हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं। दरअसल है क्या कि एक दिन ये लोग 3 तारीख को अचानक रूटीन में ड्यूटी जाते हैं, जैसे कि रोज़ जाया करते थे, और अचानक कंपनी ने उसी दिन 3 तारीख को जैसे ये लोग ड्यूटी पहुँचे, पता चला कि तालाबंदी कर दी गई कंपनी में, और वहाँ से बोला गया, प्रबंधन ने बोला कि अब आप लोग घर जाओ, छुट्टी है आप लोगों को, अब जो है तो अभी कंपनी बंद है। ये तो कोई तरीका नहीं है बंद करने का। दूसरी बात, कारण ये बताया गया कि उनको एक्सप्लोसिव नहीं मिल रहा है, और एक्सप्लोसिव नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, कंपनी को घाटा लग रहा है, इसलिए वो लोग कंपनी बंद करना चाहते हैं। तो हमारा कहना ये है कि एक्सप्लोसिव आखिर क्यों नहीं मिल रहा है, बाकी कंपनियों को एक्सप्लोसिव मिल रहा है, उनको क्यों नहीं मिल रहा है, नंबर एक। नंबर दो, जब इतना बड़ी पूरे सिंगरौली में 10-12 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो क्या एक्सप्लोसिव क्यों नहीं है, क्यों कंपनियों को अभी कंपनी को एक्सप्लोसिव नहीं दिया जा रहा है, ये एनसीएल प्रबंधन क्या कर रहा है बैठ करके। और ये लोग चाहे जो भी हो, कारण चाहे जो भी हो, चाहे एक्सप्लोसिव की वजह हो, चाहे डीबीएल कंपनी की अपनी खुद की बदमाशी हो, चाहे एनसीएल और डीबीएल का साठगांठ हो, चाहे उसमें जिला प्रशासन भी मिला हुआ हो, जो भी कारण हो, मुझे पता इसकी इस बात की नहीं है कि क्या कारण है, लेकिन इसकी जाँच होनी चाहिए। और इतने लोग, जिन लोगों को घर बैठाया गया है, सभी को 1000 से 1200 लगभग वर्कर हैं, इनको घर बना बैठा दिया गया, और जितने दिन छुट्टी दी गई उतने लोगों को इनको पैसा भी दिया जाए, और प्लस इनको तत्काल उनको जॉब पर दिया जाए। हमारे कंपनी को 4 तारीख को डायरेक्ट अटेंडम बंद कर दिया गया है, जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे पूरे वर्कर परेशान हैं, और हम लोग प्रशासन से ही हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों को कंपनी की एक्सप्लोसिव दिलवाया जाए, और हम लोगों को काम पर वापस बुलाया जाए, किसी की नौकरी न जाए, और हम लोगों के बाल बच्चे रोड पर आने के लिए मजबूर न हो, और नहीं तो हम लोग रोड पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और जिसके जिम्मेदार शासन प्रशासन हमारे कलेक्टर महोदय।